हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मान आप सबका मोवी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जुड़ जाइए एक बार सभी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आपकी इवनिंग की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग। और 2 क्लास पहले हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की, आज 3rd क्लास है। और 3rd क्लास में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार बता देता हूं। एक तो हम आज की क्लास में करेंगे कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, आपने पहले नाम सुना है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, एक वो करेंगे। और एक जो बैंकिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई वगैरह में आ सकते हैं। विष्णु योगी जुड़ चुका है भाई, जय हिंद सर। अमरावती गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है। सर का नेम क्या है भाई? जितेंद्र भाई, मेरा नाम है प्रदीप मान। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम विष्णु। चलिए फिर स्टार्ट करें, जल्दी से जुड़ जाओ भाई, एक बार शेयर कर दो सभी, सभी शेयर कर दो। एक दो बातें बतानी है, एक तो देखो ऐप जो है ना आपकी मोबी शिक्षा ऐप, उसको सभी बच्चे अपडेट कर लें, ठीक है। मतलब उसको है ना री इंस्टॉल कर लें, एक बार उसको कट करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। एक बहुत अच्छे आपके लिए ऐप बनाई गई है, और आगे से ऐप के ऊपर आपके कोर्स आएंगे, तो आपको ऐप को अपडेट जरूर करना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यूट्यूब पे आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी। इस टाइम पे आपका थ्योरी हो रहा है और सुबह आपका एमसीक्यू हो रहा है, ठीक है। और कल मैथ की मैराथन है, ठीक है, तो वो मैराथन में जरूर आना, ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून अमरावती, ओके भाई, सभी ऐप जरूर अपडेट कर लेना। तो हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और मैंने आपको 2 क्लास जो हुई थी उनमें क्या क्या पढ़ाया था। पहली क्लास में मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाए थे जो एसएससी रेलवे स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था एक वर्ड दिया होगा और उसका कोड दिया होगा। पहली क्लास में हमने ऐसे वर्ड उठाए थे जिनमें लेटर्स की फॉर्म में कोड था, मतलब लेटर कोडिंग डिकोडिंग था। दूसरी क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था हमने, हमने क्या किया, नंबर कोडिंग डिकोडिंग लेके आए थे कि एक साइड आपको लेटर मिलेंगे, दूसरी साइड नंबर मिलेंगे। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लेटर से नंबर कैसे बनते हैं, हम प्लेस वैल्यू का यूज करके लेटर से नंबर बनाएंगे। खुद प्लेस वैल्यू आ सकते हैं, उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू आ सकती है, प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस हो सकता है, ये चीजें हमने कल की क्लास में की थी। आज की जो क्लास है लास्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मैंने एक तो क्वेश्चन आपके रखे हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कंडीशंस देगा, कुछ 4-5 कंडीशन लिखेगा कि ऐसा हो तो ये कोड करना है, ऐसा हो तो ये कोड करना है, ऐसे आपको कुछ कंडीशंस देगा, वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, फिर आपको कोड बताना है, ठीक है, वो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। एक बैंकिंग में आजकल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यू पैटर्न पे, तो मैंने एक क्वेश्चन वो बैंकिंग वाला भी डाला है। कई बच्चे कहेंगे सर बैंकिंग के क्यों डाल रहे हो, क्योंकि देखो बेटा यूपीएसआई का जो पेपर होगा ना उसमें लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, तो थोड़ा सा हमें हाई लेवल पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। प्रतिभा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया प्रतिभा भाई, बातें करने ही आते हो क्या, पढ़ लो भाई। चलो हम स्टार्ट करें फिर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना अच्छे से देख लो एक बार, ये है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको क्या दे रखा है सुनो मेरी बात, आपको यहां पे एलिमेंट लिखा हुआ है, ये एलिमेंट लिखा हुआ है, और एलिमेंट के अंदर ये 7 है, ये 2 है, ये ए है, ये डी, 6, 8, 0 ओ है, ये ओ, 3, J, I, V, 5, E, 4, P और 9, ये आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं और नंबर दे रखे हैं, मतलब कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। उसके नीचे कोड लिखे हुए हैं, ये कोड गिवन है। अब आपको देखो कुछ कंडीशन दी हुई हैं, ये कंडीशन है, देखो इनको अच्छे से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में तो आते ही आते हैं, लेकिन आपके स्टेट लेवल या आजकल जो लेवल चल रहा है ना उस लेवल के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई वगैरह में दे सकता है, ठीक है। देखो कंडीशन नंबर 1 पढ़ो क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है यदि पहला तत्व एक स्वर हो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए वाउल्स, कहता है कि अगर किसी भी
किसी भी जो गिवन है उसमें पहला जो एलिमेंट है वो वावल आ जाए और लास्ट एलिमेंट नंबर आ जाए। मतलब क्या कह रहा है, पहला तो वावल हो और लास्ट में नंबर हो। तो आपको क्या करना है, कोड आर टू बी इंटरचेंज, मतलब उनके कोड चेंज कर देने हैं। मतलब क्या है, जो वावल का कोड है ना वो तो नंबर की जगह लिख देना है और जो नंबर का कोड है वो वावल्स की जगह लिख देना है। ये है पहली कंडीशन, क्लियर है। चलो वेरी गुड भाई, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर टू में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ए कॉन्सोनेंट, कहता है कि अगर पहला एलिमेंट कॉन्सोनेंट है और लास्ट एलिमेंट इज ए वाउल। हिंदी में देख लो भाई, पहला तत्व व्यंजन है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, और लास्ट अगर स्वर है वाउल है तो क्या करना है, बोथ ऑफ देम आर टू बी कोडेड एज मिडल एलिमेंट। उन दोनों का कोड क्या कर देना है, जो बीच वाला एलिमेंट होगा भाई, आपको एक कोड जिसका पूछा होगा ना उसमें जो मिडल वाला एलिमेंट होगा वो कर देना आपको, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर तीन देखो, अगर पहला तत्व एक विषम अंक है, ओड डिजिट है अगर पहला, और लास्ट जो है वो इवन डिजिट है, तो आपको क्या कर देना है, कोड जो है ना उसके वो उल्टे क्रम में लिख देने। उल्टे क्रम समझ रहे हो, राइट से लेफ्ट लिख देने हैं भाई। आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना, उनको उल्टा कर दो, राइट टू लेफ्ट कर दो, ठीक है। और कंडीशन नंबर चार, लास्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है, यदि कोई तत्व किसी कूट में दो बार आता है, भाई कोई भी ऐसा लेटर है या नंबर है या सिंबल है, एलिमेंट क्यों बोल रहा है, एलिमेंट का मतलब लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और सिंबल भी, अगर कोई भी एलिमेंट दो बार आता है किसी भी में, तो उनकी जगह आपको एल उसका कोड बना देना है। ये बात क्लियर है, तो पहले आपको ये चारों कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको ये चारों कंडीशन समझ में आ गई अच्छे से, बिल्कुल जॉब कर रही है, बिल्कुल अगर ये चारों कंडीशन समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है इसका कोड क्या होगा, तो देखो पहला जो लेटर है, पहला जो है वो नंबर है 9 और लास्ट जो है वो 4 है। अब 9 जो है, 9 क्या होता है, ओड नंबर है, ओड डिजिट है, और 4 क्या है, इवन डिजिट है। हमने ओड इवन की एक कंडीशन पढ़ी थी, पीछे चलता हूं मैं कंडीशंस पे। ये देखो ये दे रखा है, अगर पहला एलिमेंट ओड डिजिट हो और लास्ट एलिमेंट इवन डिजिट हो तो क्या करना है, इनके जो कोड होंगे ना वो रिवर्स ऑर्डर में रख दो, मतलब कोड जो बनेगा वो रिवर्स में रख दो, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये कंडीशन नंबर 3 लगेगी इस पे। तो देखो आपको क्या करना है, इसके जो कोड बनाओगे ना वो रिवर्स में रखने हैं, मतलब पहले 4 का कोड आएगा, तो 4 का कोड क्या है इसमें से देख के बताना है। ये देखो 4 का कोड है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा ये वाला, ठीक है। दूसरे में जे का कोड लिखना है, तो जे का कोड क्या है, यहां से देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो जे की जगह ग्रेटर देन, ठीक है। तीसरे में 3 का कोड लिखना है, 3 का, तो 3 का कोड है स्टार, तो फिर क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। चौथे जगह पे 3 के बाद ये ओ है, ये इसका कोड लिखना है ओ, तो देखो ये दे रखा है एंड, तो ओ का कोड क्या है, एंड, तो यहां पे एंड लिख दो। फिर 8 का कोड लिखना है, तो 8 का कोड है ये वाला साइन ऐसे, ठीक है, तो ये सिंबल डाल दो ऐसे वाला। उसके बाद डी और 9, तो डी और 9 का कोड देखो, डी का कोड है क्रॉस, ये मल्टीप्लाई का साइन, और 9 का कोड है क्यू, तो क्रॉस लिख दो और क्यू लिख दो। जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखो, एक्सक्लेमेटरी साइन, ग्रेटर देन, फिर स्टार, फिर आपका एंड, फिर आपका ये होना चाहिए, फिर क्रॉस और फिर क्यू। ए ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड भाई, जो ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अमरावती गोदारा का ए है, जितेंद्र गंगवार का भी ए है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट का ए बिल्कुल सही है भाई, ए आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल क्लियर है। मेरे ख्याल से कंडीशन कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ गए ना, थ्योरेटिकल क्लास है, आपको यह समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे करना है। आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, 5 या 4 आपको कंडीशन दी होंगी, उन कंडीशंस को क्या करो, उन कंडीशंस को पढ़ो कि क्या क्या बोला हुआ है, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोड बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ई यहां लिख देता हूं, E6IVP27। अब देखो इसमें क्या है,
पहला और लास्ट देखें तो पहला क्या है, पहला एक लेटर है और लेटर क्या है, ये कौन सा लेटर है, वावल्स है, वावल्स है ये ए ई आई ओ यू, पांच आपके स्वर होते हैं, और लास्ट जो है वो नंबर है, और नंबर क्या है, ओड नंबर है, सेवन क्या है, ओड डिजिट है। तो कोई कंडीशन ऐसी थी क्या जिसमें पहले वावल्स दिया हो और फिर आपका क्या दिया हो, वो दिया हो? तो देखो पहला था वाउल्स और नंबर, पहली कंडीशन थी कि अगर पहला एलिमेंट क्या हो, एक वाउल हो और लास्ट एलिमेंट एक नंबर हो तो उनके कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब क्या करना है हमें, कोड इंटरचेंज कर देने। किस किस के इंटरचेंज करो कोड, ई और सेवन के। तो सेवन का कोड पहले लिखूंगा, ई का लास्ट में लिखूंगा। तो मैं सेवन का कोड यहां से देख लेता हूं, डॉलर है तो डॉलर लिख दूंगा पहले, और सेवन के बाद ई का कोड जेड है, जेड लिख दूंगा लास्ट में। ठीक है, सेवन और जेड, तो सेवन का कोड यहां, ई का कोड जेड था, जेड लास्ट में, और सेवन का कोड डॉलर था, डॉलर स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में डॉलर आना चाहिए, लास्ट में जेड, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब ए सी और ई में से आंसर होगा। ठीक है, बीच में जो बच गए सिक्स आई वी पी, और इनके कोड एज इट इज लिख देंगे। तो सिक्स का कोड क्या है, वहां से देखना पड़ेगा, सिक्स का कोड है ये वाला सिंबल। तो सिक्स का कोड मैं बना देता हूं यहां पे, ऐसा जो सिंबल दे रखा है वो। आई का कोड क्या है, तो आई का कोड यहां से देखो वाई है, तो आई का कोड क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद वी, वी का कोड क्या होगा, तो यहां पे देखो वी कहां है, वी का कोड परसेंटेज है, तो वी का कोड क्या लिख देंगे हम, परसेंटेज लिख देंगे। फिर क्या दिया हुआ है, पी और टू, तो पी और टू का कोड और देख लो, तो पी का कोड तो दिया हुआ है, पी कहां है, क्वेश्चन मार्क, और टू का कोड है एट द रेट, तो क्वेश्चन मार्क और एट द रेट और लिख दो क्वेश्चन मार्क, ये आ गया एट द रेट। तो जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा डॉलर, ठीक है, ये बीच वाली ब्रैकेट और वाई, तो डॉलर बीच वाली ब्रैकेट वाई, फिर परसेंटेज, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एट द रेट, और फिर आपका क्या है, जेड। ठीक है, फिर क्या है आपका, जेड। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है बिल्कुल सही है भाई, मैं देखता हूं किन किन ने सी ऑप्शन आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अमरावती, प्रतिभा रानी, भाई टू का सी आएगा, ए नहीं आएगा बेटा। ए में देखो क्या मिस्टेक है, ए में आपका ए और सी एक जैसे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। देखो ए में आपका यहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, यहां पे पहले वाई आना चाहिए, ये देखो वन टू थ्री, तीसरे नंबर पे आई है, आई का कोड परसेंटेज थोड़े है, यहां देखो आई का कोड वाई है, तो वाई आएगा ना, तो इसलिए ए नहीं होगा। जो ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं गलत है, सी होगा बिल्कुल। प्रतिभा रानी सी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री। अब मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर थ्री का आप सही आंसर सही दोगे। ठीक है, प्रतिभा गलत करा दिया मेरा, कोई बात नहीं भाई, प्रतिभा का देख के क्यों आंसर दे रहा है जितेंद्र भाई, अपना खुद का आंसर देना, दूसरों को देखकर आंसर दोगे तो गलत ही होगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कोड होगा इसका बताना है। पहला जो है वो जे दे रखा है और लास्ट में ए दे रखा है। तो जे क्या है, जे आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ए क्या है, स्वर है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन थी जो व्यंजन और स्वर पे हो, तो एक बार कंडीशंस पे चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट हो और लास्ट एलिमेंट वावल हो, कंडीशन नंबर टू पढ़ लो अच्छे से। यदि पहला तत्व एक व्यंजन हो और लास्ट तत्व एक स्वर हो तो उन दोनों के मध्य तत्व के रूप में कोडित किया जाएगा, मतलब उनका कोड क्या कर दिया जाएगा, उनका कोड जो है वो मिडल वाला एलिमेंट का जो कोड होगा ना वो कर दिया जाएगा। तो एक बार इनमें मिडल में देखो, तो मिडल का मतलब है तीन इधर से छोड़ दो, तीन इधर से, मिडल का मतलब सेवन का कोड, जो सेवन का कोड होगा ना वो जे और ए का कोड बना दिया जाएगा। तो सेवन का कोड क्या है, यहां से देखना पड़ेगा आपको, सेवन कहां है, सेवन पहले नंबर पे है, सेवन का कोड है डॉलर, तो डॉलर आपका कोड आ जाएगा। किस किस की जगह, फर्स्ट और लास्ट की जगह, तो यहां भी डॉलर आ जाएगा और यहां भी डॉलर आ जाएगा। अब बीच में जो बच गए उनके कोड एज इट इज लिख देंगे, एट और ई का कोड, तो एट और ई का कोड क्या क्या है, तो एट का कोड है ये वाला और ई का कोड है आपका जेड, तो एट और ई का कोड डाल देता हूं मैं,
एट का कोड होगा ये और ई का कोड होगा जेड। ई के बाद है सेवन, तो सेवन का कोड तो डॉलर ही रहेगा, ठीक है। फिर थ्री और फाइव, थ्री और फाइव का कोड क्या होगा, तो थ्री का जो कोड है वो है स्टार और फाइव का कोड है हैश। तो स्टार और हैश आपका क्या आ जाएगा, इसके साथ में स्टार आ जाएगा और फिर हैश आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा डॉलर, फिर ये आपके स्लैश जो दे रखी है ये, फिर जेड, फिर डॉलर, फिर स्टार आना चाहिए और फिर हैश और फिर डॉलर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखो बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी में पहले वो दिया हुआ है हैश। ऑप्शन डी होगा क्योंकि पहले स्टार आना चाहिए फिर हैश आना चाहिए, समझ रहे हो, पहले स्टार होना चाहिए उसके बाद हैश होना चाहिए। सी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, पहले हैश दिया हुआ है फिर स्टार, तो स्टार पहले आएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल, वेरी गुड भाई, डी होगा जितेंद्र, वेरी गुड अमरावती डी, प्रतिभा रानी डी, ठीक है। सर मोबी शिक्षा ऐप आईओएस में अवेलेबल है, बेटा आईओएस में शायद अभी नहीं है, जल्दी मिल जाएगी आपको, अभी एंड्रॉइड पे है। अगला क्वेश्चन देखो है, ठीक है ठीक है, देखो आगे, देखो आगे क्या दे रखा है, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ 6PV5IA2, इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कर रखा है, पहला जो है वो है नंबर सिक्स और लास्ट वाला जो है वो है नंबर टू। सिक्स क्या होता है, इवन नंबर, और टू भी क्या होता है, इवन नंबर। मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी उसमें कि अगर दोनों इवन डिजिट हो, एक बार फिर भी चेक कर लो, नहीं थी ऐसी कोई कंडीशन। देखो इवन इवन पे कोई कंडीशन नहीं थी, मैं मिटा देता हूं इनको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो कंडीशन नंबर वन में था पहला वाउल और लास्ट आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगी, पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट वाउल ये भी नहीं लगेगी, पहला ओड डिजिट और लास्ट इवन ये भी नहीं लग सकती कंडीशन, और लास्ट में दे रखा था इफ एनी एलिमेंट अपियर्स ट्वाइस इन ए कोड, कहता है कि किसी में दो बार एलिमेंट आ जाए ना तो उसको एल लिखना है, तो ये तीन तो लगेगी नहीं, चौथी देख लेते हैं एक बार, कोई इसमें ऐसा एलिमेंट है क्या जो दो बार आया हो, एक बार ये देखो फोर्थ करवा रहा था ना, कोई दो बार आया है क्या इसमें, सिक्स भी एक बार है, पी वी फाइव आई ए टू नहीं भाई, कोई भी इसमें एलिमेंट दो बार नहीं आया, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं लग रही। अब कई बच्चे कहेंगे सर कंडीशन नहीं लग रही तो क्या आंसर दें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बेटा, अगर कोई भी कंडीशन नहीं लगती ना तो ऐसे केस में एज इट इज जो कोड दे रखे हैं वो लिख दो, कुछ भी चेंज मत करो। देखो कंडीशन दे रखी है तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, कंडीशन नहीं दे रखी तो एज इट इज कोड लिख दो। मतलब आप क्या करोगे, सिक्स का कोड लिखो पी का और वी का, सिक्स पी और वी, तो सिक्स पी और वी के कोड क्या है, सिक्स का तो ये है, ठीक है, और पी का कोड क्या है, पी का क्वेश्चन मार्क है और वी का परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज और ये आपके कोड दे रखे हैं, मतलब ऐसे आएगा फिर क्वेश्चन मार्क आएगा फिर परसेंटेज आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से सही होगा, तो देखो ए में यहां एस है बी में एस है, फिर अगला यहां पे देखो यहां पे लेस देन है यहां वाई है, मतलब आपको क्या देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा देख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आई का कोड क्या आएगा वो देख लो, आई का कोड, आई से पहले क्या था फाइव, फाइव आई और ए, तो एक बार मैं चेक करता हूं फाइव आई और ए, तो फाइव का कोड है हैश, आई का कोड है वाई और ए का कोड है ये लेस देन, तो हैश वाई लेस देन, हैश वाई लेस देन क्या आएगा, हैश वाई लेस देन, तो हैश वाई और लेस देन, ठीक है, तो फाइव आई ए हो गया, और टू का कोड और देखना है, तो टू का कोड क्या है, टू का कोड है एट द रेट, तो लास्ट में आ जाएगा एट द रेट और आपको आंसर मिल जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा एट द रेट। तो एक बार ऑप्शंस देखो कौन से ऑप्शन में ये सही है, हैश लेस देन, ठीक है, हैश के बाद लेस देन आना चाहिए क्या, हैश के बाद वाई आना चाहिए, वाई के बाद लेस देन और फिर एट द रेट, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आपके क्या आंसर आ रहे हैं मैं देख रहा हूं, बी
बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिभा रानी बी ऑप्शन आंसर दे रही है, अमरावती का भी सही है और अमरावती का भी सही है प्रतिभा, ठीक है दो ही आपके आंसर आए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे जल्दी इसमें कमेंट बॉक्स में बताओ, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले कंडीशन पढ़ोगे, कंडीशन पढ़ने के बाद उनका आंसर देना है कंडीशंस को अप्लाई करके। कंडीशन कैसे होंगी, कभी कहेगा फर्स्ट अगर वावल्स है लास्ट कॉन्सोनेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, रिवर्स लिख दो, अपोजिट लिख दो, इस टाइप से आपको कंडीशंस देगा। ठीक है सर, क्लियर, बिल्कुल आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, पांचवा क्वेश्चन सेम उसी पे है, तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। चार मैं करवा चुका हूं, जो चार करवाए हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के वैसा ही क्वेश्चन ये है, तो आपको एक ये कोड बताना है इसका, तो पहले आई है लास्ट में नाइन है, तो कंडीशंस देखो कोई कंडीशन लगेगी तो वो अप्लाई कर दो। देखो इसमें दो बार एट आया है और एक कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें एक से ज्यादा मतलब दो बार अगर एलिमेंट आ जाए तो उस एलिमेंट का कोड एल लिखना है, थी ना ऐसी कंडीशन, तो मतलब एट का कोड एल आएगा, इस एट का कोड भी एल आएगा, तो कंडीशन नंबर फोर थी वो लगेगी इसमें बिल्कुल। फिफ्थ का आंसर भी दे दिया प्रतिभा रानी ने, डी ऑप्शन आंसर दिया है, वेरी गुड भाई वेरी गुड, ऐसे ही आंसर आने चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाए थे, ये क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं और बैंकिंग प्री एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आपके जैसे आपका यूपीएसआई है, यूपीएसआई में जैसे आता है आपका मशीन इनपुट, मशीन इनपुट टॉपिक तो बैंकिंग का है लेकिन पूछ रहा है ना, डाटा सफिशिएंसी बैंकिंग का टॉपिक है लेकिन पूछ रहा है, तो आपको तैयारी इस लेवल की करनी है कि कोई भी आए, ठीक है बैंकिंग लेवल आए तो वो भी कर दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, आ सकते हैं यूपीएसआई में। देखो क्या कह रहा है, बोट इज इन रिवर और इसके कोड दे रखे हैं, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो प्यार से फिर आंसर देना। आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है ना, बोट इज इन रिवर, इसमें एक दो तीन चार, चार वर्ड दे रखे हैं, समझ में आ रहा है, और इधर जो कोड दे रखे हैं ना उसके भी चार कोड हैं, एक बी टी, एक ओ ई, एक पी क्यू और एक वी यू। इसका मतलब यह है कि बोट का कोड इन चारों में से कोई एक है। आप ऐसे मत कर देना, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर पहले नंबर पे बोट है और पहले नंबर पे बीटी है तो बोट का कोड बीटी हो जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन क्या हुआ, फिर तो सभी बताते थे बोट का बीटी, इज का ओई, इन का पी क्यू और रिवर का वी यू, ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। क्या होता है कि आपसे कोई बोट का कोड पूछे ना तो आप ये कहोगे इन चारों में से एक है, कौन सा है वो फाइंड आउट करेंगे, अभी नहीं पता कौन सा है, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, आप क्या करोगे ये बोट जो है ना ये कॉमन देखोगे, क्या कहीं पे कॉमन दिख रहा है आपको बोट, कहीं भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है बोट, अगर बोट कॉमन नहीं है तो ये तीन जो बच गए इज इन और रिवर ये देख लो, ये कहीं ना कहीं कॉमन मिलेंगे, तो कॉमन मिलेंगे तो इज का कोड पता लग जाएगा, इनका लग जाएगा और रिवर का, जो बच गया वो कोड बोट का होगा, समझ में आ रहा है। जैसे मैं करके दिखा देता हूं, जैसे ये इज है, ये इज आपको यहां भी नजर आ रहा है, पहली और तीसरी लाइन को ध्यान से देखो, बोट इज इन रिवर फिश फ्राई इज गुड, तो इसमें भी इज है इसमें भी इज है, इसका मतलब इधर मैं अलग अलग कलर यूज करके आपको बता देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, देखो यहां इज है तो इधर आ जाओ, अब इसमें कोड में कौन सा कोड कॉमन है, तो देखो इन दोनों में, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन देखो क्या क्या है, तो दोनों में जब ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन है, एस एच नहीं है, वी यू कॉमन है, इसका मतलब ये वी यू जो है ना ये इज का कोड है, क्या ये बात क्लियर है, वी यू जो है वो इज का कोड है। चलो भाई अब अगले पे चलते हैं, तो अगले के लिए मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, तो मैं रेड कलर से करता हूं। देखो इज के बाद इन, देखो इन और रिवर, इन और रिवर यहां पे कॉमन है, ये दो इन और रिवर और यहां भी इन और रिवर है, ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को जब ध्यान से देखोगे तो इधर देखो यहां पे ओई
और यहां पे भी OE, यहां पे PQ और यहां भी PQ। इसका मतलब इन और रिवर के कोड जो होंगे वो आइदर OE और PQ, इन दोनों में से होंगे। मतलब एक कोड इनका होगा, एक रिवर का। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? तो आपको पता लग गया इज का कोड VU है और इन और रिवर के कोड OE और PQ में से हैं। एक OE है, एक का कोड PQ है। कौन किसका है वो नहीं पता, इसीलिए आइदर और लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हमसे तो पूछा था बोट का कोड बेटा, तो बोट यहां अकेला बच गया और BT यहां अकेला बच गया, तो बोट का कोड हो जाएगा BT। एक मेथड तो ऐसा होता है निकालने का जो लगभग बच्चे इसी मेथड से करते हैं। आप में से मेरे ख्याल से 90% बच्चे इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। एक और मेथड सुनो, इससे इजी मेथड बता रहा हूं आपको। आप क्या करोगे, देखो इज जो है ना वो कॉमन है, कहीं ना कहीं इन भी कॉमन है, रिवर भी कॉमन है। इसमें सिर्फ बोट एक ऐसा लेटर वर्ड है जो कहीं भी कॉमन नहीं है। अभी इधर आ जाओ, इधर ओई भी कॉमन है, पीक्यू भी कॉमन है, वीयू भी कॉमन है, बीटी एक ऐसा कोड है जो कहीं भी कॉमन नहीं है। आप नजर दौड़ा लो, आपको बीटी कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। इधर बोट में नजर दौड़ा लो, सिर्फ बोट यहां है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब बोट का कोड बीटी हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे निकालना है, आप पहले इन तीन का निकाल के, बचा हुआ बोट का नहीं, इसमें टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट ऐसे करोगे। लेकिन हमसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बताया था आपको, बोट का कोड कैसे निकालेंगे। लेकिन आपसे जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन जो पूछा है, वो किसका कोड पूछा है, इज का। तो सुनो, इज का कोड कैसे निकालेंगे, ये इज रहा, ये इज रहा, पहली और तीसरी से निकल जाएगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देख लो, वीयू है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, वीयू। ऑप्शन सी आपका आंसर। वेरी गुड भाई, जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आंसर से देखो मतलब नहीं है मुझे, मुझे आपको समझाना है। आप पेपर में कैसे करोगे, थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। आंसर तो आप दे ही दोगे, मुझे पता है, बिल्कुल वीयू बिल्कुल सही है। और जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है यह भी आपको बताना है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन का आंसर दो आप। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पे, क्या करना है, टेस्ट का कोड बताना है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, देखो कितनी जल्दी दोगे, इसमें टेस्ट ढूंढो, ये रहा टेस्ट, क्या कॉमन है कहीं, नहीं है सर, तो कॉमन ये नहीं है, तो गुड फ्राई इज देख लो, फ्राई भी कॉमन है, इज भी कॉमन है और गुड भी कॉमन है। इसका मतलब टेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो इधर भी सिर्फ एक कोड ऐसा मिलेगा जो कहीं भी कॉमन नहीं है। तो वी यू तो कॉमन है, डीई भी कॉमन है और RT भी कॉमन है। BN एक ऐसा कोड है जो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो टेस्ट का कोड BN हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, बताओ कितनी सेकंड लगेंगे करने में, सिर्फ 10 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है? ऐसे करने हैं पेपर में, तुरंत आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जी सर, समझ गए, बिल्कुल BN बिल्कुल सही है भाई अमरावती जी। अगला क्वेश्चन बताओ, रिवर का कोड बताओ, जल्दी जल्दी रिवर का कोड बताओ। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, जल्दी से सेशन को शेयर करो और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी। देखो आपसे पूछा है रिवर का कोड, कुछ नहीं करना, तुरंत आंसर देना है। इसमें रिवर ढूंढो, ये रहा रिवर, क्या कहीं पे कॉमन है रिवर, बिल्कुल है सर, ये रहा। लेकिन एक दिक्कत आ गई, इन दोनों में रिवर कॉमन तो है, लेकिन रिवर के साथ साथ इन भी कॉमन है, समझ रहे हो? रिवर कॉमन है, लेकिन रिवर के साथ साथ एक और वर्ड भी कॉमन है जो इन। इसका मतलब यहां पर दो वर्ड आपके कॉमन है, इन और रिवर, बाकी कहीं भी कॉमन नहीं है। तो इधर भी सिर्फ दो कोड कॉमन होंगे, कौन कौन है, OE और PQ। इसका मतलब रिवर का कोड क्या होगा, आइदर OE और PQ। देखो जब भी दो कोड होना तो उनमें आइदर और लगेगा, तो आइदर OE और PQ आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें OE दे रखा है, आप अकेला OE आंसर नहीं लगा सकते, ये गलत माना जाएगा। अच्छा SH तो होगा ही नहीं, PQ अकेला PQ भी नहीं लगा सकते, मतलब या तो इसमें ऑप्शन ये दिया होता,
आइदर ओई और पी क्यू, तो वो आपका ऑप्शन आंसर हो जाता आइदर और। लेकिन इसमें आइदर और तो दिया नहीं हुआ, तो अगर आइदर और नहीं दिया होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया होगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप कहोगे सर ये क्या नई चीज आ गई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देखो इसका आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। जैसे आपसे पूछा है कि रिवर का कोड बताओ, तो आप क्या यह बता सकते हो कि रिवर का कोड ओई होगा या पी क्यू? आप ऐसे ही बोलोगे ना सर रिवर का कोड ओई और पी क्यू में से कोई एक होगा, मतलब आइदर ओई और पी क्यू दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इसीलिए आप इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाओगे, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते दो हैं उनमें से कोई एक होगा, आइदर और में बता सकते हैं। बिल्कुल वेरी गुड भाई, ई ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। कहां चले गए सारे भाई, शेयर करो एक बार सेशन को, शेयर कर दो सारे जम के। देखो 9th का आंसर दो, 9th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है अगले क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है, देखो क्या कह रहा है, चिकन फ्राई इज कोडेड एज डी और डीई और डब्ल्यू क्यू, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड। आपको गुड का कोड बताना है, सुनो अब मेरी बात ध्यान से, गुड यहां पे है, इसका मतलब गुड का कोड इसमें से कोई होगा, लेकिन आप यह बताओ गुड का कोड तभी निकाल सकते हो जब इन तीनों के कोड निकल जाएं, बचा हुआ गुड का कोड हो जाएगा। इज का कोड तो हमें पता है, अभी अभी किया था हमने, कि इज का कोड वी यू होगा, तो इज का कोड तो वी यू हो गया। अब देखो फिश और फ्राई है, तो देखो फिश इन दोनों में कॉमन है, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में दोनों में फिश कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, एसएच कॉमन है, तो फिश जो है उसका कोड एसएच हो गया। अब फ्राई बचा, आप कहोगे सर फ्राई का कोड, तो देखो फ्राई का कोड जो है ना वो यहां से देखना पड़ेगा, यहां पे चिकन और फ्राई दे रखा है, तो फ्राई का कोड कौन सा होगा, इधर देखो यहां क्या बच गया, आर टी और डी, इसका मतलब इसमें डीई है, तो डीई फ्राई का कोड होगा, क्योंकि इसमें भी फ्राई है, इसमें भी फ्राई है, इसमें डीई है, इसमें डीई है, तो डीई किसका हो गया, फ्राई का कोड हो गया, इज का कोड यू हो गया, ठीक है, और फिश का कोड एसएच हो गया, तो गुड का कोड क्या बच गया, आरटी, तो आरटी आपका गुड का कोड हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, एक बार देख लेता हूं, 9th डी सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल डी सही होगा, 9th का ई नहीं होगा भाई, जो ई आंसर दे रहे हैं वो गलत है, ई में जो डी है ना वो तो फ्राई का कोड है, आपसे गुड का पूछा है, फ्राई का नहीं पूछा, फ्राई का नहीं पूछा, गुड का पूछा है, तो आरटी होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर आप खुद दोगे। आपको कह रहा है हाउ विल दिस स्टेटमेंट बोट हाउस स्विम बी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज, आपको तीन दे रखे हैं, बोट हाउस और स्विम, कहता है कि इसका कोड क्या होगा, तो देखो पहले तो बोट का कोड देख लो, तो बोट का कोड मैं वैसे बता चुका हूं, यहां से निकलेगा, बोट अकेला ऐसा है जो कॉमन नहीं है, और इसमें सिर्फ बीटी एक ऐसा है जो कॉमन नहीं है, तो बोट का कोड तो हो जाएगा बीटी। अब कहोगे सर हाउस का कोड, तो देखो हाउस इसमें कहीं है ही नहीं, हाउस तो है ही नहीं, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले स्विम का कोड बता दो, स्विम यहां पे है, अब देखो स्विम कॉमन तो है नहीं कहीं भी, फिश कॉमन है, ये रहा इन कॉमन है, ये रहा और रिवर कॉमन है, तो इसका मतलब फिश कॉमन है, तो फिश का कोड इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एसएच हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, पी क्यू, और इन दोनों में क्या कॉमन है, ओई, मतलब स्विम का कोड डब्ल्यू आई आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, बोट का कोड हो गया बीटी और स्विम का कोड हो गया डब्ल्यू आई। अब आपसे इस पूरे का कोड पूछा था, बोट हाउस और स्विम, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ना उसमें बोट का कोड होना चाहिए, मतलब बीटी तो उसमें होना ही होना चाहिए, दूसरा स्विम का कोड होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू आई होना ही होना चाहिए, हाउस का कोड क्या होगा, अब सुनो मेरी बात, हाउस एक ऐसा वर्ड है, हाउस एक ऐसा वर्ड है जो इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, अगर हाउस कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो उसका एग्जैक्ट कोड नहीं बता सकते हम, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाउस का कोड है ना वो इन में से कोई और होगा,
तो इसका जो कोड निकलेगा वो पॉसिबल कोड होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखो बीटी डब्ल्यू आई आना चाहिए, बीटी है इसमें, डब्ल्यू आई नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत। दूसरा बी ऑप्शन डब्ल्यू आई है बीटी है, ठीक है डब्ल्यू आई है बीटी है, ठीक है। डी ऑप्शन में बीटी है लेकिन डब्ल्यू आई नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी डब्ल्यू आई नहीं है, नहीं होगा, मतलब बी और सी में से आंसर होगा। अब सुनो बीटी डब्ल्यू आई, बीटी डब्ल्यू आई, एक में दे रखा है एस एच और एक में दे रखा है एस ए, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर देखो एस एच तो इसमें आ चुका है ना, ये रहा, तो एस एच आ चुका है, इसका मतलब एस एच तो पहले से किसी का कोड है, और जो कोड पहले से किसी का है उसका हाउस का कोड कैसे बना सकते हैं? एक कोड एक का ही होगा, एक से ज्यादा का नहीं हो सकता। इसका मतलब एस एच पहले से आ चुका है, तो एस एच तो कोड बन नहीं सकता हाउस का, तो बी भी गलत, मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एस ए हमने हाउस का कोड मान लिया, ये एग्जैक्ट कोड नहीं है, ये पॉसिबल कोड है। टेंथ का सी बिल्कुल सही है भाई, प्रतिभा रानी बिल्कुल सही है, श्रुति पटेल सी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सी ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल एस ए डब्ल्यू आई बी टी, अमरावती का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्लास रोज होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, रोज क्लास होती है संडे को छोड़कर, ठीक है, रोज डेली क्लास होती है इसी टाइम पे 3 बजे, जुड़ जाया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 अलग से आ गए, अब क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इसमें आपके किंग ऑफ रिंग मतलब लेटर अलग हो गए, वर्ड अलग हो गए, कोड अलग हो गए, कोई बात नहीं। देखो आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इन, कहता कि इसमें जो इन है ना वो किसका कोड है, उल्टा पूछ लिया। पहले पूछता था ये वर्ड किसका, इस वर्ड का कोड क्या होगा, अब कोड दे रखा है और पूछ रहा है ये कोड किस वर्ड का है। तो आप इधर देखो इस साइड वाले में, इस साइड में आपको कहीं भी इन नजर आ रहा है, इन यहां पे है, इस साइड है इन, तो देखो इन का कोड क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है वो, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इन, वर्ड इन का कोड क्या होगा। तो सुनो मेरी बात, वर्ड इन का कोड जो है वो इन में से कोई होगा, क्योंकि इसी लाइन में इन है, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सुनो रिंग जो है, रिंग क्या रिंग कॉमन है, बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है। टू, टू क्या कॉमन है, टू, टू कहीं भी कॉमन नहीं है भाई, टू कॉमन नहीं है। अच्छा ये जो जीरोच दे रखा है, जी ई आर आई सी एच ओ, ये भी कॉमन है, मतलब यहां पे दो वर्ड ऐसे हैं, एक तो इन और एक टू, जो कहीं भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब इस साइड भी दो कोड ऐसे होंगे जो कहीं भी कॉमन नहीं होंगे, मतलब आंसर आइदर और में आएगा, क्लियर है। तो देखो एस एच, एस एच है कॉमन, पी ओ, पी ओ नहीं है कॉमन, एस के भी कॉमन नहीं है, एस जे कॉमन है, मतलब आइदर पी ओ और एस के आपका आंसर होना था इनका कोड, आइदर पी ओ और एस के। अब आइदर और तो दे नहीं रखा, पहले बता चुका हूं, अगर आइदर और न मिले तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, हम नहीं निकाल सकते, आइदर और सही आंसर होता। बेस्ट रीजनिंग टीचर, थैंक यू भाई मनिंदर, थैंक यू, ठीक है। इन टू नो कॉमन, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका आंसर ई इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना, पेपर में ऐसे ही करना है। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, रिंग का कोड निकालेंगे, फिर इसका कोड निकालेंगे, फिर जो बच गए वो कोड होंगे। अरे भाई थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाओ ना, देखो इन और टू दो ऐसे वर्ड हैं जो कहीं भी कॉमन नहीं है, इसमें रिंग भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, इसका मतलब एस एच भी कॉमन है, ये रहा एस एच, और एस जे भी कॉमन है, पीओ और एस के कहीं भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आइदर पीओ और एस के। अब आइदर और दे नहीं रखा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, मेरी बात एक और सुनो ध्यान से, अगर मान लो इस ऑप्शन को काट कर मैं लिख देता इस ऑप्शन की जगह आइदर पीओ और एसके, तब भी क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता क्या, अगर मैं इसमें ए ऑप्शन बना देता आइदर पीओ और एसके और डी ऑप्शन रहने देता लास्ट वाला ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो भी क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर देते या आइदर और देते, आइदर और आंसर देते। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको आइदर और को, अगर आइदर और नहीं है तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड देना है, बिल्कुल वेरी गुड, नहीं
ए, बिल्कुल सही है भाई। अगर आपका आइदर और ए ऑप्शन में होता तो आइदर और देते, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर ई ऑप्शन होगा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ जल्दी, तब ए सही होता। बिल्कुल प्रतिभाजी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको पहले आइदर और है तो आइदर और को आंसर देना है, आइदर और नहीं है तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड देना है। अगले का आंसर जल्दी से आंसर दो, ब्रेक का कोड बताना है, बी आर ई ए के ब्रेक, ब्रेक का कोड। तो देखो यहां है ब्रेक, क्या कॉमन है कहीं भी? कहीं भी नहीं है। अच्छा दा और वाल देखो, दा और वाल, वाल तो कॉमन है, ये रहा, क्या दा कॉमन है? नहीं है। है भाई बिल्कुल, फर्स्ट लाइन में देखो ध्यान से, दा भी कॉमन है। इसका मतलब ब्रेक एक ऐसा वर्ड है जो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो इस साइड सिर्फ एक ही कोड ऐसा होगा जो कहीं भी कॉमन नहीं होगा। इफ तो कॉमन है, एक्सट्री भी कॉमन है, आर के कॉमन नहीं है, आंसर आर के आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 5 से 8 सेकंड के अंदर आंसर दोगे, लेकिन ऐसे देना पड़ेगा फिर। बिल्कुल वेरी गुड, आर के आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड भाई, अमरावती गोदारा श्रुति पटेल, वेरी गुड, ऐसे आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर, नेक्स्ट का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखो, 13 में कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड टू, टू का कोड बताना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इन और टू, पहले ही क्वेश्चन में था इन और टू, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो कहीं भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कहीं भी कॉमन नहीं है इन और टू। इसका मतलब इन दोनों का आंसर आइदर और में आएगा, इन और टू का आंसर। तो देखो इधर, देखो इधर भी दो कोड ऐसे होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, तो SH तो कॉमन है, ये रहा पहले में और दूसरे में, ठीक है। SJ भी कॉमन है दूसरे और तीसरे में, मतलब PO और SK, तो टू का कोड भी क्या होता, आइदर PO और SK, लेकिन आइदर और है नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है, कैन नॉट डिटरमाइंड वाली चीज समझ में आई या नहीं? बिल्कुल, 13 का ई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, ये जो GERICHO इसका कोड बताना है, जेरिचो जो भी लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसका आपको कोड बताना है। आपको यहां पे ये नहीं जाना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं आप, ऐसे समझो एक वर्ड है उसका कोड दिया हुआ है, मीनिंगफुल वर्ड हो न हो, क्योंकि रीजनिंग है ये, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में ये कॉमन है, क्या कुछ और कॉमन है? ऑफ नहीं है, वाल्स नहीं है, तो इधर कॉमन देख लो क्या है, SJ कॉमन है, तो SJ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाओ, बहुत ईजी होते हैं, बच्चे वैसे ही डरते हैं इससे कि सर ये बैंकिंग के क्वेश्चन आ गए, टाइम लग रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 14 का। वेरी गुड बेटा, सी जिन्होंने आंसर दिया है बहुत सही जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद एक तगड़ा क्वेश्चन आएगा 15 के बाद, वो आपका नए पैटर्न का क्वेश्चन है जो बैंकिंग में पूछा जाता है। पहले 15 का आंसर दो, फिर आते हैं उस क्वेश्चन पे। देखो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज XT, कहता है कि ये XT जो है ये किसका कोड है। तो देखो XT तो यहां है, तो XT या तो ब्रेक का कोड होगा या दा का या वाल का। तो सुनो XT क्या कॉमन है कहीं? इसमें भी नहीं नजर आ रहा, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब XT जो है वो कहीं भी कॉमन नहीं है, और अगर XT कहीं भी कॉमन नहीं है तो क्या RK और इफ ये कॉमन है? RK इफ तो है भाई, ये रहा, RK नहीं है, ये देखो RK भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर भी आइदर और में आना चाहिए। देखो इफ कॉमन है न तो RK कहीं कॉमन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, और XT भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनका आइदर और में आएगा। तो देखो पहले में इफ था और आखिरी में भी इफ है, तो पहले में भी दा है, आखिरी में भी दा है, तो दा का कोड तो हो गया इफ। अच्छा वाल्स, अच्छा वाल्स भी कॉमन है भाई, बिल्कुल XT भी कॉमन है, सॉरी भाई बिल्कुल XT, ये देखो पहले में मतलब तीसरे में और चौथे में दोनों में XT कॉमन है, और दोनों में वाल भी कॉमन है, मतलब वाल का तो कोड हो गया XT और दा का कोड हो गया इफ, तो ब्रेक का बच गया RK। आपसे पूछा था XT किसका कोड है? वाल का, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दिया है बिल्कुल सही जा रहे हो।
बिल्कुल अमरावती, श्रुति पटेल, प्रतिभा रानी, तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है ना सर? बिल्कुल, लेकिन ये आ सकता है, पीओ का क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये आपका यूपीएसआई में आ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखो, ये बता रहा था ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बैंकिंग में मेन में आता है, इसको बोलते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो आपको कोड दिख रहे हैं ना, ये कोड देखो ध्यान से, ये जो आपको कोड दिख रहे हैं, ये कोड जो है इनको ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। देखो यहां पे मीडिया दे रखा है, लेटर दे रखा है, रिप्लाई दे रखा है और प्रोफाइल दे रखा है, मतलब आपको चार वर्ड दे रखे हैं पहले सेंटेंस में, है या नहीं, हां या नहीं बोलो। उसके बाद जो कोड है वो भी चार हैं, ये पूरा एक कोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब चार वर्ड और उनके चार कोड दे रखे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो कोड देख रहे हैं ना उसमें तीन चीजें हैं, जैसे मैं लिख दूं 18 ई और परसेंटेज, तो इस कोड को ध्यान से देखो, ये जो पहला है ये है नंबर, भाई 18 एक नंबर होता है ना, नंबर है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा जो ई है ये है अल्फाबेट, अल्फाबेट है भाई, ई क्या होता है, अल्फाबेट होता है और स्मॉल अल्फाबेट है, और तीसरा क्या है, सिंबल। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, नंबर का अलग से लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉजिक कहां से, इसमें से ही फाइंड आउट करोगे, अल्फाबेट का अलग से आपको लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा और सिंबल्स का अलग से। कहने का मतलब यह है कि जैसे उसने यहां 18 नंबर लिखा, तो मैं लॉजिक का मतलब यह है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि उसने ये नंबर 18 ही क्यों लिया, नंबर तो बहुत से थे, 18 ही क्यों चूज किया, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। रीजनिंग का मतलब क्या है, रीजन, रीजन ढूंढो और आंसर दो। तो 18 क्यों आया ये ढूंढ लो, अगर आपको ये पता चल गया कि उसने 18 क्यों लिखा तो तुरंत आंसर दे दोगे। अब सुनो मेरी बात, पहले मैं अगर लेटर देखूं तो ध्यान से देखो, जैसे इसमें ई लेटर है, ध्यान से देखो ई लेटर है और इसमें आर लेटर है, इसमें वाई, इसमें ए, बीच में जो लेटर लिखे हुए हैं पहले मैं उसका लॉजिक ढूंढता हूं। तो एक तो ई लिखा हुआ है, एक आर, एक वाई, एक ए। अब ये वर्ड देखो, इसमें लास्ट लेटर देखो ए है, इसमें लास्ट लेटर आर है, इसमें लास्ट लेटर वाई है और इसमें लास्ट लेटर ई है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी कि लेटर्स के कोड कैसे बना सकता है, लास्ट लेटर रख दे, फर्स्ट लेटर लिख दे, अपोजिट रख दे लेटर का, नंबर रख दे, ठीक है, आपके क्या रख दे, सिंबल्स रख दे, क्लियर है ना ये बातें। तो देखो इसमें ई है, इसमें आर है, इसमें वाई है, इसमें ए है। तो देखो ए जो है ना, ये ए 15A डॉलर, 15A@the rate, ये मीडिया का कोड होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, देखो एक ही इसमें ऐसा वर्ड है जिसमें लास्ट में ए है और इसमें लास्ट में ए है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मीडिया का जो कोड है वो 15A@the rate है। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन एक बार समझ लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। फिर मैं बात करता हूं ये 20YA, तो इसमें वाई है तो रिप्लाई में लास्ट लेटर वाई है, मतलब ये वाला जो कोड है ना ये रिप्लाई का कोड है, कौन सा, 20Y@the rate, क्लियर है। फिर आर, तो आर किस में है, लेटर में, तो 14R$, तो ये किसका कोड होगा, लेटर का, तो लेटर का कोड क्या होगा, 14R$। उसके बाद है ये 18E%, तो देखो ई किस में है, ई आपका प्रोफाइल में है, मतलब 18E% किसका कोड है, प्रोफाइल का कोड है, क्या कोड है, 18E%, हमें पता चल गया। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, आपने अभी सिर्फ लेटर का पता लगाया है कि लेटर कैसे कोड किए हुए हैं। अब बात करते हैं नंबर की, तो सुनो इसमें 15 नंबर है, इसमें 20 है, इसमें 40 है, इसमें 18 है। देखो नंबर जो होंगे ना, नंबर, वो नंबर भी आपके किससे बनेंगे, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ठाकुर रुद्र, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा बेटा, समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करो, अमेजिंग क्वेश्चन लेवल, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, ये 15, 20, 14, 18 कैसे बना, आप ये देखो
एम का कोड होता है 13, एम एबीसीडी में 13वें नंबर पे आता है, आर 18वें पे आता है, एल 12वें पे आता है और पी 16 पे। अब देखो 16+2 18, 12+2 14, 18+2 20, 13+2 15। अब कुछ समझ में आ रहा है? देखो मैं यहां लिख देता हूं, लेटर जो थे ना लेटर, वो कैसे लिखे हुए थे? लास्ट लेटर लिखा हुआ था, लास्ट लेटर स्मॉल में, ठीक है, लास्ट लेटर स्मॉल में। ये देख लो, ए था मीडिया में तो ए लिख दिया, वाई था रिप्लाई में लास्ट तो वाई लिख दिया, लेटर में आर था आर लिख दिया, प्रोफाइल में ई था ई लिख दिया, मतलब लास्ट लेटर लिखा हुआ है लेटर की जगह, ठीक है। नंबर कैसे लिखे हुए हैं? तो मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर जो है ना वो फर्स्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसमें दो ऐड कर दिया, नंबर ऐसे हैं। आप कहोगे सर कैसे पता? ये देखो M आता है 13 पे, 13+2 15, 18+2 20, 12+2 14 और 16+2 18, दोनों चीजें क्लियर है। अब आते हैं सिंबल्स पे, तो देखो सिंबल्स जब देखोगे ना सिंबल्स, तो आपको एक बात नजर आएगी, यहां पे देखो इन दोनों में सेम सिंबल यूज हुआ है, इन दोनों में सेम सिंबल यूज हुआ है एट द रेट, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी क्या है? रिप्लाई में 1 2 3 4 5, 5 लेटर है रिप्लाई में, आर ई पी एल वाई 5 लेटर हैं, और मीडिया में भी एम ई डी आई ए 5 लेटर हैं। इसका मतलब जो सिंबल्स है ना वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स डाल रहा है। देखो अगर आपके 5 लेटर होंगे तो एट द रेट डालेगा, अगर 5 लेटर जहां भी आएंगे ना वहां एट द रेट डालेगा। अच्छा यहां डॉलर यूज हुआ है डॉलर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर में 6 लेटर हैं, तो 6 के लिए क्या लिख रहा है? वो डॉलर लिख रहा है, ठीक है। अगला प्रोफाइल, प्रोफाइल में परसेंटेज, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर 7 है तो परसेंटेज, ठीक है। अब देखो कोई और सिंबल भी यूज हुआ है क्या इसके अलावा? हैश यूज हुआ है बिल्कुल, इसका मतलब हैश भी किसी ना किसी लॉजिक पे होगा। तो सुनो मेरी बात, इसमें लास्ट है एल, एल है और ये है 22, तो 22 का मतलब ये इसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि 20 में 2 ऐड करेंगे 22, लास्ट लेटर एल है तो एल, तो हैश जो है वो 4 लेटर के लिए यूज हुआ है, मतलब जिसमें 4 लेटर आएंगे उसके लिए हैश यूज करेंगे, ऐसे सिंबल हैं। अब कई बच्चे कहेंगे, मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर बच्चों का दिमाग हिल गया होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, समझ लो इसको, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये अरेंज करने हैं। अब आपसे जो पूछा है उसका आंसर तुरंत दे दोगे, तो सुनो मेरी बात, उसने पूछा है पोस्ट और एडवर्ट का कोड पूछा है। मुझे एक बात बताओ, पोस्ट में पी है, पी कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में? 16 पे, और नंबर में 2 ऐड करना है, मतलब 16+2 18 आएगा या नहीं आएगा? फिर क्या लिखना है? लेटर, लास्ट लेटर क्या है? टी, तो 18 के बाद टी। अब पोस्ट में 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर के लिए सिंबल क्या था? यहां देखो ये लिखा हुआ, 4 लेटर के लिए सिंबल था हैश, तो इसके लिए सिंबल यूज हो जाएगा हैश, तो पोस्ट का कोड आएगा 18T#। अच्छा एडवर्ट का कोड, तो एडवर्ट में ए होता है 1 पे, 1+2 करेंगे 3 बन जाएगा, लास्ट लेटर है एस तो स्मॉल एस लिख देंगे, और इसमें 2 2 4 6 और 1 7, एक मिनट, 2 2 4 6 और 7, 7 यूज हुए हैं, तो 7 के लिए क्या था? 7 के लिए परसेंटेज था, मतलब आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आएगा। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों है 18T#, 18T#, और 3S परसेंटेज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी आंसर सी दिया है, 16 का सी ऑफ द माइंड हो गया सर। अरे बेटा देखो, समझने की कोशिश करो, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये दिख रहा है, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो नंबर है, सबसे पहले नंबर है ना सभी में, ये देखो 18 14 20 15 21 24 5 15, दूसरे नंबर पे नंबर के बाद लेटर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे लेटर के बाद सिंबल है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इन तीनों के अलग अलग लॉजिक बताए हैं। नंबर कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट लेटर होगा ना, फर्स्ट लेटर उसमें प्लस टू कर देंगे, प्लस टू, देखो कहीं भी देख लो, जैसे आउटपुट में ओ है, ओ आता है 15 पे, एबीसीडी में 15 पे आता है, 15+2 17, ये देखो ये इसका कोड है 17। जैसे टूल है, टूल में टी आता है 20 पे, 20+2 22, ये इसका कोड है। जैसे रिप्लाई में आर है, आर
नंबर आता है 18 पे, 18 प्लस 2 20, ये इसका कोड है, क्लियर है। फिर लेटर, तो लेटर लास्ट वाला लेटर लिखा हुआ है, देखो रिप्लाई में वाई लिखा हुआ है, टूल में एल लिखा हुआ है, और आपका इसमें आउटपुट में टी लिखा हुआ है। और सिंबल्स मैंने बता दिए, सिंबल्स कैसे लिखने हैं, अगर किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी वर्ड में 5 लेटर आते हैं तो सिंबल एट द रेट, 6 लेटर आते हैं तो डॉलर, 7 आते हैं तो परसेंटेज, और 4 आते हैं तो हैश, क्लियर सी बात है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो नेक्स्ट, ये बताओ देखो ग्रीन है तो जी आता है 7, 7 प्लस 2 9, तो नंबर तो 9 आएगा, ठीक है। लास्ट लेटर एन है तो यहां एन लिखा जाएगा स्मॉल। ग्रीन में कितने लेटर हैं, 2, 2, 4, 5, और 5 के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, ये देखो 5 के लिए एट द रेट, तो सिंबल आ जाएगा एट द रेट, तो 9n एट द रेट। फिर सिग्नल, सिग्नल का मतलब एस, एस होता है 19 पे, ठीक है, और 19 में प्लस 2 करेंगे 21 बनेगा, और लास्ट में एल है, एल लिख दो, और सिग्नल में 2, 2, 4, 6 आपके लेटर हैं, तो 6 लेटर के लिए क्या यूज करते हैं, इधर देखो डॉलर, 6 के लिए डॉलर मैंने पहले लिख दिए थे, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, डॉलर। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों होंगे वो आंसर हो जाएगा 9n एट द रेट, इन तीनों में है 21l डॉलर, तो इसमें तो डॉलर नहीं है, गलत, 21L डॉलर नहीं है, गलत, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का डी, डी आएगा बेटा, डी प्रतिभाजी, डी आएगा, बी नहीं आएगा, बी में देखो 21L डॉलर, ये तो ठीक है, लेकिन यहां 9 नहीं है ना बेटा, 8 है, बी में यहां 8 है, हमें चाहिए 9N एट द रेट, तो इसके कारण ये गलत है, बी में ये देखो, ये देखो, ये वाला ये नहीं है, इसलिए बी गलत है, तो आंसर ऑप्शन डी आएगा, वेरी गुड भाई, डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें जो आगे क्वेश्चन बच गए ये आपको खुद करने हैं, ऐसे ही करने हैं, जैसे ये और करवा देता हूं, डिलीट में डी 4 पे होता है, 4 प्लस 2 6, लास्ट लेटर ई, डिलीट में 2, 2, 4, 6, 6 के लिए क्या यूज करते हैं सिंबल, इधर आ जाओ, 6 के लिए डॉलर, तो डॉलर पुट कर देंगे, यहां पे डॉलर आ जाएगा। फिर आपको बताना इमेज आई 9 पे, 9 प्लस 2 11, ठीक है, लास्ट लेटर ई है, समाल ई लिख देंगे, इमेज में 5 लेटर है, 5 लेटर के लिए सिंबल, 5 लेटर के लिए सिंबल एट द रेट, तो क्या आ जाएगा एट द रेट, तो यहां एट द रेट, तो 6E$11E@the rate बी ऑप्शन, ये देखो 6E$11E@the rate बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, वेरी गुड भाई, बी ऑप्शन, ओके सर हम कर लेंगे, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं 19 और 20, ठीक है, 19 और 20 आपको खुद करने हैं, जैसे 20 बता देता हूं, चलो जल्दी से देखो, 20 में करंट और क्यूज दे रखा है, करंट में C3 पे, क्यूज में Q17 पे, 3 प्लस 2 करेंगे 5 आएगा, ठीक है, 17 प्लस 2 करेंगे 19 आएगा, तो नंबर तो 5 और 19 होंगे, ठीक है। लास्ट इसमें टी है तो यहां पे स्मॉल टी, लास्ट इसमें जेड है यहां पे स्मॉल जेड, करंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर हैं, तो 7 के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे थे, 7 के लिए सिंबल जो यूज हो रहा था वो था परसेंटेज, तो उसमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, तो 7 के लिए परसेंटेज था, यहां पे लिख दूंगा मैं परसेंटेज, और क्यूज में है 4, 4 के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, तो 4 के लिए जो सिंबल है वो है आपका हैश, तो उसमें आ जाएगा हैश और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा हैश, तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, 5T%19Z#, ऑप्शन बी आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई मनिंदर, थैंक यू, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। जिनको भी ये क्लास अच्छी लगी हो बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो ऐप को अपडेट जरूर कर लेना, नए नए उसमें फीचर्स ऐड हुए हैं और होते ही जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और शेयर कर देना, तो लव यू ऑल, कल फिर से मिलते हैं, टाटा बाय बाय।